नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल बीट दर्श पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सात ऐसे पेनी शेयर्स के बारे में जो पिछले एक साल में मल्टी बैगर साबित हुए हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए। यानी एक साल पहले अगर कोई अपना पैसा इन शेयर में इन्वेस्ट किया है तो ये सारे शेयर 100% से ज्यादा ये अब तक रिटर्न दे चुके हैं अपने इन्वेस्टर्स को। साथ ही हम देखेंगे कि आज की डेट में इनका मार्केट कैपिटल कितना है और कौन से शेयर पे बेट लगाया जा सकता है ताकि आने वाले फ्यूचर में ये और अच्छा रिटर्न दे सके। इसके अलावा इस वीडियो में ये भी हम देखेंगे कि ये पीयर टू पीयर कंपैरिजन में कहाँ ठहरते हैं। तो आइए चालू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस लिस्ट का पहला शेयर है बायोफिल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। दोस्तों, अगर पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछला एक साल काफी शानदार रहा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनीज के लिए, क्योंकि कोरोना की वजह से फार्मास्यूटिकल काफी बूम किया और अच्छी खासी कंपनियों ने मुनाफा कमाया। अगर इसके पीयर्स की हम बात करें तो देख सकते हैं कि सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, सिप्ला लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं। वहीं पे अगर इसके हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में रिटर्न की बात करें तो सन फार्मा ने करीब 15% का रिटर्न दिया है, डॉक्टर रेड्डी ने करीब 71% का रिटर्न दिया है, सिप्ला ने वही 56% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की हम बात करें तो अभी भी इस सेक्टर में काफी स्कोप है और फ्यूचर इसका काफी ब्राइट दिख रहा है। स्पेशली यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा केमिकल्स का, जिसका फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आ रहा है इंडिया में, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे कंट्रीज, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज ने बैन कर रखा है इस टाइप के केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि इसकी वजह से पॉल्यूशन काफी तेजी से बढ़ता है और उसमें एयर पॉल्यूशन जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से ये बहुत सारे देश बैन कर रखे हैं। वहीं पे पिछले दिनों तक चाइना इसका हब हुआ करता था, लेकिन चाइना भी अब अपने बहुत सारे सिटीज या एरिया में केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग पे बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से इंडिया में केमिकल्स का काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है। और ये कंपनी का बिजनेस मैनेजमेंट अच्छा रहा और इसके बिजनेस पॉलिसीज ऐसे ही अच्छे चलते रहे तो आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी का बिजनेस काफी बढ़ सकता है, और जब बिजनेस बढ़ेगा तो रिटर्न की भी पॉसिबिलिटी हाई हो सकती है। आइए अब देखते हैं कि पिछले एक साल में इस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले एक साल में इस कंपनी ने करीब 1,382% के आसपास रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर हम इसका मार्केट कैपिटल देखें तो देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैपिटल करीब 304 करोड़ के आसपास है। वहीं पे इसका पी टू ई रेशियो काफी हाई नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इस शेयर ने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री पीई के कंपैरिजन में इसका पी ई रेशियो काफी ज्यादा है। दोस्तों, दूसरा शेयर है मार्सन्स फार्मा लिमिटेड। एक बार फिर से ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है और ये बेसिकली रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में इंगेज है, और इसके पीयर कंपैरिजन में भी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी और सिप्ला जैसी कंपनियां हैं। अगर पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की बात करें, रिटर्न की बात करें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले एक साल में ये कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को करीब 293% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, अगर इसके मार्केट कैपिटल की हम बात करें तो इसका मार्केट कैपिटल करीब 2405 करोड़ है। वहीं पे पी टू ई रेशियो इसका 36.49% है, जबकि इंडस्ट्री का पीई रेशियो 37.23% है। यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि चूंकि इसका मार्केट कैपिटल 2000 के ऊपर है तो यहाँ पे पैसा लगाना एक सेफ बेट हो सकता है, और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से इस कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है, अगर इसका 50% भी ग्रोथ का पोटेंशियल शो करती है आने वाले फ्यूचर में तो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए एक अच्छी कंपनी हो सकती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि किसी भी रिकमेंडेशन या सजेशन के बेसिस पे अपना जाए, आप खुद का रिसर्च करें, उसके बाद ही अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। तीसरा शेयर है मैकग्लर्ड रसेल इंडिया लिमिटेड। ये एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है और टी का मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर इसके पीयर्स हम देखें तो देख सकते हैं कि टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट लिमिटेड, बॉम्बे बुमरा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां हैं। पिछले एक साल का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट लिमिटेड करीब 76% का रिटर्न दिया है, बॉम्बे बुमरा 25% का रिटर्न दिया है, सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया
30% का रिटर्न दिया है। अगर इसके रिटर्न की हम बात करें तो ये कंपनी पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को करीब 290% का रिटर्न दे चुकी है। अगर हम इसका मार्केट कैपिटल देखें तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटल करीब 261 करोड़ के आसपास है। यानी हम कह सकते हैं कि ये कंपनी में ग्रोथ का पोटेंशियल तो है, लेकिन चूंकि ये 1000 क्रॉस नहीं की है अपने मार्केट कैपिटल में, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बेट रिस्की लग रहा है। दोस्तों इस लिस्ट में चौथा शेयर है केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड। बेसिकली ये आईटी सेक्टर की कंपनी है और ये आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को और कस्टमर्स को। पीयर कंपैरिजन अगर हम देखें तो यहाँ पे पीयर कंपैरिजन में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, एससीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां हैं जिससे इस कंपनी को कम्पीट करना है। पीयर कंपटीटर्स को हम देखें तो TCS ने 31% का रिटर्न दिया है, इंफोसिस ने करीब 64% का रिटर्न दिया है, वहीं पे HCL ने करीब 51% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें पिछले एक साल की तो ये कंपनी करीब 252.44% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर हम इसका मार्केट कैपिटल देखें तो देख सकते हैं कि मार्केट कैपिटल इसका करीब 522.39 करोड़ का है। P2E रेशियो इसका 47.88 है, वहीं पे इंडस्ट्री P2E रेशियो इसका करीब 28.24 का है। तो हम देख सकते हैं कि इसका P2E रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है इंडस्ट्री P2E रेशियो से। पांचवा शेयर है सबेक्स लिमिटेड। एक बार फिर से आईटी से जुड़ी हुई ये कंपनी है और ये कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है अपने कस्टमर्स को अक्रॉस द ग्लोब। बेसिकली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी को ये अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इसके अलावा ये कंपनी इम्प्लीमेंटेशन और कस्टमाइजेशन में भी डील करती है। अगर पीयर्स की बात करें इसके तो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड ने पिछले एक साल में मात्र 4% का रिटर्न दिया है। टाटा एलेक्सी लिमिटेड जो टाटा ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी है करीब 98% का रिटर्न दिया है। वहीं पर परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड जैसी कंपनी ने 80% का रिटर्न दिया है। तो ये सेक्टर भी पिछले एक साल में काफी बूम किया है केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल की तरह। वहीं पर अगर इसके रिटर्न की हम बात करें तो ये कंपनी ने पिछले एक साल में करीब 249% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर हम इसका मार्केट कैपिटल देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैपिटल करीब 1068 करोड़ है, जो एक स्मॉल कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी के लिए मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। अगर हम इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि चूंकि आने वाला टाइम भी टेक्नोलॉजी का ही रहेगा और 10-20 साल टेक्नोलॉजी कहीं नहीं जाने वाला है, तो ये कंपनी का मैनेजमेंट और बिजनेस पॉलिसी मॉडल सब कुछ अच्छा चलता रहा तो निश्चित ही ये कंपनी में अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। और अगर बिजनेस का ग्रोथ अच्छा होगा तो निश्चित ही इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि शेयर का प्राइस भी उसी रेशियो में भागेगा। छठा शेयर है विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड। बेसिकली ये कंपनी प्लास्टिक के प्रोडक्ट तैयार करती है, जैसे पीवीसी पाइप हो गया, पीवीसी चेयर हो गया, पीवीसी मग हो गया, इस टाइप का प्रोडक्ट तैयार करती है और सप्लाई करती है। अगर हम इसके पीयर्स देखें तो देख सकते हैं कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नीलकमल, टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड जैसी कंपनी है। सुप्रीम जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और एक कह सकते हैं कि अपने इंडस्ट्री में, अपने सेक्टर में एक तरह से ये मार्केट लीडर है। वहीं पे नीलकमल भी चेयर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम करते आ रही है और ये भी एक तरह से मार्केट लीडर ही है। अगर हम सुप्रीम इंडस्ट्री लिमिटेड के रिटर्न देखें तो पिछले एक साल में इस कंपनी ने 51% का रिटर्न दिया है, वहीं पर नीलकमल ने मात्र 3% का रिटर्न दिया है, जबकि टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड ने -14% का रिटर्न दिया है। पिछला एक साल कोरोना की वजह से काफी भारी रहा इस सेक्टर के लिए और ऐसे सिचुएशन में भी इन कंपनियों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। वहीं पे अगर हम विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड के रिटर्न की बात करें तो पिछले एक साल में इस कंपनी ने करीब 163% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना के मार के बावजूद भी ये कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले एक साल में और अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर हम मार्केट कैपिटल देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैपिटल करीब 618 करोड़ का है। P2E रेशियो काफी ज्यादा है, 467 का है, वहीं पे इंडस्ट्री PE रेशियो इसका करीब 53 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चूंकि P2E रेशियो इसका काफी हाई है तो फिलहाल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ये अच्छा बेट नहीं होगा। दोस्तों इस लिस्ट का सातवां और आखिरी शेयर है CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड।
ये कंपनी बेसिकली पहले क्रॉम्पटन ग्रीव्स ग्रुप की हुआ करती थी, लेकिन बाद में क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने इस कंपनी को सेल कर दिया। अगर हम इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये कंपनी पावर ट्रांसफार्मर, रिएक्टर्स, स्विच गियर्स, टेंशन मोटर्स जैसा प्रोडक्ट तैयार करती है और ये इंडस्ट्रीज वगैरह में मेनली अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। अगर हम इसके पीयर्स देखें तो पीयर्स में इसके एबीबी इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, एबीबी पावर प्रोडक्ट्स जैसी बड़ी कंपनियां हैं। और एक बार फिर से कोरोना की वजह से इस सेक्टर पे भी काफी मार पड़ा था, तो अच्छा रिटर्न होने की पॉसिबिलिटी काफी कम थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एबीबी इंडिया लिमिटेड ने पिछले एक साल में निगेटिव 15% का रिटर्न दिया है, भेल ने निगेटिव 44% का रिटर्न दिया है, वहीं पे एबीबी पावर प्रोडक्ट्स का कोई रिटर्न ही नहीं शो कर रहा है। अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के रिटर्न की बात करें पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल में इस कंपनी ने करीब 156% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे ये देखा और समझा जा सकता है कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न टू इट्स शेयर होल्डर। अगर हम इसके मार्केट कैपिटल देखें तो मार्केट कैपिटल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट कैपिटल इसका करीब 2,369 करोड़ का है, जो किसी भी स्मॉल कैप कंपनी के लिए मेरे हिसाब से अच्छा साइन है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी 1000 के प्लस जाती है मार्केट कैपिटल में, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो कंपनी धीरे धीरे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे एक निगेटिव न्यूज भी आया था पिछले साल जुलाई अगस्त में कि इसके बहुत सारे इम्प्लॉयज ने मिलके एक बहुत ही बड़ा स्कैम और धांधली किया था, जिसकी वजह से पिछले साल इस कंपनी का शेयर काफी टूटा था और मार्केट में काफी बदनामी भी हुई थी। तो यहाँ पे इसके हिसाब से ये सारे एस्पेक्ट कंसीडर करते हुए आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे 7 पेनी शेयर्स जो पिछले एक साल में 100% से ज्यादा रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि किसी भी स्मॉल कैप की कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ज्यादा से ज्यादा रिसर्च की जरूरत पड़ती है। और मैं अगर अपने ओपिनियन और अपने सजेशन की बात करूँ तो इस लिस्ट में मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है मार्सन्स फार्मा और केल्टन टेक सोल्यूशन लिमिटेड। इन दोनों कंपनी के शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में है और अपने रिसर्च के बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूं कि आने वाले टाइम में ये दोनों शेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी आप अपना इन्वेस्टमेंट से पहले खुद का रिसर्च करें, तभी ये अपना मूड बनाए। एक चीज और मैं लास्ट में ऐड करना चाहूंगा कि अगर किसी भी स्मॉल कैप कंपनी का मार्केट कैपिटल 1000 करोड़ के प्लस जाता है तो ये उस कंपनी के लिए अच्छा और पॉजिटिव साइन होता है, बशर्ते ये भी देखना होगा कि 1000 करोड़ मार्केट कैपिटल जो उस कंपनी ने गेन किया है पिछले कितने दिनों में गेन किया है और कितने स्पीड से उस लेवल तक वो कंपनी पहुंची है, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन ले। दोस्तों स्टॉक मार्केट के बारे में या किसी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, उसके रिलेटेड मैं अपना रिसर्च करके आप लोग के साथ उसका वीडियो शेयर करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।